बड़वा तहसील के बलवाड़ा बागो क्षेत्र में गिट्टी खदान स्वीकृति के विरोध में क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोला और खदान निरस्त कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि मौके पर आदिवासी समाज रहता है, वहीं नर्मदा शिप्रा प्राधिकरण पाइपलाइन इस स्थान से गुजरी है जिससे 20 गांवों के किसानों की खेती सिंचित होती है। ऐसे में कहीं न कहीं किसानों के लिए चुनौती बनी इस परेशानी के विरोध में क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोलकर गुहार लगाई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रशासनिक स्तर दी गई गिट्टी खदान की स्वीकृति को निरस्त किया जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिले में बड़वा तहसील है, वहाँ पे अपना ग्राम पंचायत मुख्तारा पड़ती है। तो बलवाड़ा मुख्तारा की जो है शासकीय भूमि है 57 नंबर, 45 नंबर और 44 नंबर। तो 45 नंबर में भी गिट्टी खदान की स्वीकृति हुई है और 44 के भी हमने कागज़ दे दिए थे पहले अगली बार, और अभी 45 के दिए हैं आज। तो कलेक्टर महोदय से, अपनी डिप्टी कलेक्टर मैडम से बात हुई है, उन्होंने खनन अधिकारी सावन चौहान जी से भी संपर्क हुआ हमारा, उन्होंने भी आश्वासन दिया है वहाँ आके जांच करने की। तो 2 दिन का उन्होंने जांच करने का बोला है। तो जांच में उन्होंने बोला है कि जांच में अगर गिट्टी खदान की स्थिति देख के वहाँ पर रहेगी तो हम लोग निरस्त करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। क्या समस्या क्या आ रही है सर? हमारे वहाँ पर ज़मीन लगी हुई है सबकी, किसानों की, और जो वहाँ से डस्ट उड़ेगी फसलें खत्म होंगी हमारी। गोचर की भूमि है और बलवाड़ा से जो पाइपलाइन वहाँ से निकली है बागोद तक की, वो जिसका हम 2 वर्षों से जलकर का जो भूमि वहाँ से रसीद कटती है उसका पे भी कर रहे हैं। जमीन पैसा सर जो शासन के माध्यम से रसीद मिलती है वो हम जमा कर रहे हैं, वो रसीदें हमारे पास पर्याप्त हैं। सभी किसानों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, आगे जाके ये सब डैमेज होगी क्योंकि सरकारी योजनाएँ हैं, करोड़ों की योजना है। तो सरकार को विशेष इसका सरकार को ध्यान रखना, हमसे भी ज़्यादा सरकार की संपत्ति का ध्यान रखना सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य बनता है, इन्हें करना चाहिए। और आम रास्ता दोनों साइड है। क्या नाम है आपका? गोविंदा। हम चाहते हैं कि ये अनुमति शासन ना दे और आगे भी किसी को ये अनुमति वहाँ पे ना दे। वहाँ पे आदिवासी लोग हैं तो आदिवासियों को वहाँ के भूमि के रहने के पट्टे मिले, वो काफ़ी करीबन 10 साल से वहाँ रह रहे हैं, 20-25 घर हैं वहाँ पे। तो आदिवासियों को पट्टे दिए जाएं शासन से, ऐसी योजना कल्याणकारी योजना को उन्हें फ़ायदा मिले, ना कि गिट्टी खदान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।